रूपवती अप्सराओं के कामुक कारनामों से बदल गया स्वर्ग और धरती का इतिहास। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों वेदों और पुराणों में उल्लेख मिलता है अप्सरा सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न होती थी। इनके रहने का स्थान गंधर्व लोक था। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। न जाने कितने संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने में अप्सराओं का हाथ रहा है, और इन्हीं कई कारणों की वजह से धरती पर अप्सरा से उत्पन्न लोगों का वंश भी चलता रहा है। जानते हैं कैसे अप्सराओं ने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। दोस्तों अंत तक पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। दोस्तों ब्रह्मलोचा अप्सरा अटूट ऊर्जा का एक स्थान है। लगातार 907 सालों तक संभोग करने का राज, जब कभी वेद और पुराणों में अप्सराओं का जिक्र किया जाता है तब स्वर्ग के देवता का नाम इंद्र जरूर आता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान इंद्र अपने काम को निकलवाने के लिए हमेशा छल कपट का सहारा लिया करते थे। छल कपट का सहारा लेने वाले भगवान इंद्र ने एक बार ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि कंडू की तपस्या को भंग करने के लिए एक अत्यंत सुंदर अप्सरा ब्रह्मलोचा को ऋषि कंडू के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऋषि कंडू के पास जाने के बाद ब्रह्मलोचा ने अपनी नैन नक्श से ऋषि कंडू को सम्मोहित कर लिया। ब्रह्मलोचा के सम्मोहन में फंसने के बाद ऋषि कंडू ने ब्रह्मलोचा के साथ लगातार 907 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि 907 साल तक लगातार ऋषि कंडू ने संभोग कैसे किया। ब्रह्मलोचा के सम्मोहन में फंसने के बाद ऋषि कंडू पूजा पाठ और तपस्या को भूलकर गृहस्थ जीवन के मोह माया में फंस गए। गृहस्थ जीवन के मोह माया में फंसने की वजह से उनके द्वारा की जा रही कड़ी तपस्या को भी खतरा होने लगा। योजना के अनुसार अपने काम को करने के बाद ब्रह्मलोचा वापस स्वर्ग लौटना चाहती थी, परंतु सम्मोहन की वजह से ऋषि कंडू उनमें इस तरह डूब गए कि ब्रह्मलोचा को अपने पास से जाने ही नहीं देना चाहते थे। ब्रह्मलोचा भी ऋषि कंडू के श्राप से बहुत ज्यादा डरती थी, जिसकी वजह से वह चाह कर भी उनसे दूर नहीं जा रही थी। परंतु एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या की याद आ गई, जिसके बाद उन्होंने ब्रह्मलोचा से कहा कि वह पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं। उसी दौरान ब्रह्मलोचा ने उन्हें यह जवाब दिया कि कई साल गृहस्थ जीवन गुजारने के बाद अब आपको साधना की सूझी है। ब्रह्मलोचा के द्वारा दिए गए इस जवाब को सुनने के बाद ऋषि कंडू ने बोला कि तुम तो सुबह ही आई हो और मुझे मेरी साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। जिसके बाद ब्रह्मलोचा ने ऋषि कंडू को भगवान इंद्र के चाल के बारे में बताया, और उन्होंने ऋषि को यह बात बताई कि उसे इस धरती पर आए हुए पूरे 907 साल गुजर चुके हैं। ब्रह्मलोचा के द्वारा कही गई इस बात को सुनने के बाद ऋषि को खुद के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और वह कहने लगे कि धिक्कार है तुम जैसी अप्सराओं के ऊपर, तुमने मेरे जीवन में आकर मेरी साधना और तपस्या को पूरी तरह भंग कर दिया। इतना कहने के बाद जब ऋषि कंडू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उस अप्सरा को त्याग कर दिया और फिर से पहले की तरह तपस्या और साधना करने में लीन हो गए। कुछ इस तरह ऋषि कंडू 907 साल तक एक अप्सरा जिसका नाम था ब्रह्मलोचा के साथ संभोग करते रहे, उसके मोह में फंसे रहे। तो दोस्तों इतना गहरा सम्मोहन होता है अप्सराओं का, इतनी ज्यादा आकर्षणता होती है अप्सराओं में। अगर आपकी कल्पना शक्ति मजबूत है एक बार उनके रूप को अपने मस्तिष्क के अंदर कल्पित करके देखिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही पुराणों से वेदों से सुनी अनसुनी कहानियां किंवदंतियां आपके सामने लाता रहूंगा। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।